मेंडल से संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में? ठीक है, देखो मेंडल का सबसे पहले पढ़ते हैं अपन परिचय। ठीक है, इस परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय से क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के बन जाते हैं। और मेंडल ने दिए थे अपने नियम, नियम दिए थे 3। कौन कौन से नियम दिए थे देखो। नंबर पहला जो नियम दिया था वो है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा दिया था, सॉरी, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। तीसरा दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इस नियम के दो दिए थे अपवाद, एक था अपूर्ण प्रभाविता, एक था सह प्रभाविता। ठीक है, सह प्रभाविता में एक चीज आती है अपनी रुधिर की वंशागति। रुधिर वर्ग की वंशागति। ठीक है, ये देखो इस तरह ही आती है, एक प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और इस नियम के दो अपवाद आते हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। ये मेंडल से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप इन टॉपिक को करके जाना, नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पहला नियम, प्रभाविता का नियम, सिर्फ प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम देखते हैं आज सिर्फ। ये प्रभाविता का नियम क्या होता है? प्रभाविता का नियम देखिए, जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे वो किए थे 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक किए थे, और 7 लक्षणों पर प्रयोग किए थे। सात लक्षणों पर प्रयोग करे थे और 7 सालों अर्थात वर्षों वर्षों तक कार्य किया था इन्होंने। किन पर कार्य किया था? इन 7 लक्षणों पर कार्य किया था। कब से कब तक किया था? 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक कार्य किया था। 7 लक्षण लिए, उनमें से एक लक्षण है, ले लेते हैं एक जोड़ी लक्षण। एक जोड़ी लक्षण ले लो, लक्षण ले लो उसी में से ही। जैसे नंबर पहला लक्षण लेते हैं अपन, पौधे की लंबाई ले लेते हैं, पहला लक्षण ले लेते हैं अपन इनका। 7 लक्षणों में से पहला लक्षण ले लेते हैं पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई ले ली, ठीक है। अब ये पौधे की लंबाई दो तरह की होती है, एक लंबापन होता है, पौधे में लंबापन भी होता है और बोनापन भी होता है। दो रूप होते हैं ना पौधे की लंबाई के, एक लंबापन एक बोनापन। ठीक है, जो लंबापन होता है उसको अपन कैपिटल टी बड़े बड़े अक्षरों से दर्शा देते हैं, चाहे किसी भी टाइप का अक्षर ले लो, कैपिटल DD, कैपिटल AA, कैपिटल BB ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने कैपिटल TT ले लिया। अब बोनापन है, ये बोनापन है तो इसको स्मॉल टी से दर्शा देते हैं अपन। ठीक है, ये ठीक है, ये ले लिया लंबापन और बोनापन। अब देखिए, ये एक तरीके से माने जाएंगे जनक। जनक का मतलब आपको पता है, जनक का मतलब क्या है? माता पिता होता है। ठीक है, अब इससे अपन युग्म बनाते हैं। युग्मक यानी गैमेट, गैमेट बनते हैं आधे। जैसे मान के चलिए 32 है, 32 है, 32 से आधे बन जाएंगे 16, 16 से आधे बन जाएंगे 8। ठीक है, इस तरीके से, तो इससे युग्मक बन जाएंगे आधे। डबल T है तो 1 T बन जाएगा इससे।
इसका आधा इस मोटी, ये बन गई युग्मक। ठीक है, जब ये आपस में मिल, ये लंबापन जो होता है, लंबापन ये होता है, मैं बता दूँ लंबापन जो यहाँ पर है, लंबापन जो है यह प्रभावी, क्या है प्रभावी लक्षण। और बोनापन जो है, बोनापन ये होता है अपना अप्रभावी लक्षण। कौन सा लक्षण? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी अच्छा माना जाता है, अप्रभावी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये अपना प्रभाव अधिक दिखाएगा क्योंकि इसमें बल ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, इसमें कम ताकत है, इसमें ज़्यादा ताकत है, तो ये आराम से अपना बल दिखाएगा, आराम से बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल टी जो है यानी लंबापन, ये अपना अच्छा प्रभाव दिखाएगा, ये कम दिखाएगा। तब इसमें से अपन मिलाएंगे इसको तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। तो कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा कैपिटल टी, और कैपिटल टी है क्या? लंबापन। तो इसमें 100 के 100% जो होंगे पौधे, जो बीज बनेगा या पौधे बनेंगे, 100% लंबे बीज या लंबे पौधे बनेंगे, बनेंगे तो बीज ही, जब बीज को उगाएंगे तो पौधे तो बनेंगे, और सारे के सारे पौधे यानी कि 100% वो बनेंगे लंबे पौधे, और लंबे पौधे हैं, लंबापन आ गया ना, प्रभावी लक्षण आ गया। तो 100% या अपन इसको एक अलग तरीके से कह सकते हैं, इसमें 100% कौन से लक्षण आ गए? लंबापन, लंबापन वाला आ गया ना लंबे पौधे, लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण। तो अर्थात 100% प्रभावी लक्षण आए इसमें, प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हुए, 100% प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हुए। और मैंने ये आपको समझाया, इसकी परिभाषा कैसे बन सकती है, जब एक जोड़ी लक्षणों के बीच आपस में संकरण कराते हैं तो ये जो संतान बनी वो बनी F1 पीढ़ी या संकर संतान बनी। ठीक है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे, मैं बता दूँ इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। जब एक जोड़ी लक्षणों के बीच आपस में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं केवल 100 के 100%, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।